नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में खतरनाक बारिश और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों, आपको इस नए पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में नजर आएगी, ओलावृष्टि दोस्तों आपको कौन कौन से जिलों में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, और दोस्तों ये सर्दी का जो मौसम बना हुआ है इसकी स्थिति आपको आगामी दिनों में किस तरह की देखने को मिल सकती है, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों नज़र डालते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहाँ कहाँ पर किस तरह की मौसम की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। बीते 24 घंटे में दोस्तों आपको राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर नज़र आया था। न्यूनतम अगर तापमान की बात करें तो दोस्तों अलवर में आपको 9 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला, बाड़मेर में 7.4, भीलवाड़ा में 8.4, बीकानेर में 6.3, बूंदी में 11.2, चित्तौड़गढ़ में 6.8, चूरू में 1, जयपुर में 10.9, जैसलमेर में 4.2, जोधपुर में 8.8, कोटा में 11.2, पिलानी में 5.2, सीकर में 7, गंगानगर में 5, उदयपुर में 7.4, और दोस्तों अगर फतेहपुर की बात करें तो यहां पर आपको -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों माउंट आबू में आपको -4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला था। इस तरह से दोस्तों आपको राजस्थान के इन इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला था। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में कहाँ कहाँ पर किस तरह की मौसम की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। 27 जनवरी देर शाम से ही आपको राजस्थान के अधिकांश जिलों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता एक बार फिर देखने को मिलेगी। 27 जनवरी सुबह से ही दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों सहित बाल्टिस्तान और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई अलग अलग क्षेत्रों में गहरे काले बादलों की लगातार एंट्री देखने को मिलेगी। इसका असर दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आपको 27 जनवरी देर शाम तक देखने को मिलेगा। देर रात तक दोस्तों आपको उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बादलों की एंट्री देखने को मिलेगी। लगातार दोस्तों गहरे काले बादल आपको अधिकांश जिलों में नजर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको 27 जनवरी देर शाम से ही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, नागौर और बीकानेर के कई आसपास के क्षेत्रों में आपको गहरे काले बादल देखने को मिलेंगे। इन गहरे काले बादलों का दोस्तों आगामी दिनों में आपका जो ट्रैक है ये राजस्थान के अन्य संभागों में भी देखने को मिलेगा। 28 जनवरी सुबह से ही दोस्तों आपको अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में इन बादलों की एंट्री लगातार देखने को मिलेगी, और दोस्तों आपको कुछ स्थानों पर जो बारिश का दौर है 27 जनवरी शाम से ही देखने को मिलेगा। 27 जनवरी देर रात से दोस्तों आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा और करौली, भरतपुर, इनके आसपास के कई क्षेत्रों में दोस्तों हल्की फुल्की बूंदाबांदी 27 जनवरी देर शाम से ही देखने को मिल सकती है। 28 जनवरी दोस्तों सुबह से ही आपको जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, सिरोही, जालौर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लगभग दोस्तों संपूर्ण राजस्थान के अधिकांश जिलों का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी का दौर दोस्तों आपको इन संभागों में यानी कि अजमेर संभाग, कोटा संभाग और जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग, इन संभागों में दोस्तों आपको 28 जनवरी सुबह से ही कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। जबकि दोस्तों बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग में आपको 27 जनवरी देर रात से ही इस बारिश का दौर कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है। IMD ने दोस्तों राजस्थान के कई अलग अलग जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 28 जनवरी को आपको अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों में कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ जोरदार बारिश देखने को मिलेगी, और दोस्तों यहां पर अधिकांश स्थानों पर आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। जबकि दोस्तों 29 जनवरी को आपको टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर, दौसा,
चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारा, अलवर और अजमेर जिलों में कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ आपको हल्की फुल्की ओलावृष्टि कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का दौर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ से संपूर्ण न्यूज़ बिल्कुल विस्तार से आपको अवगत कराएंगे। अब दोस्तों, आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 27, 28 और 29 जनवरी के मौसम के बारे में। 27 जनवरी को दोस्तों, यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर राजस्थान की दर्शाई हुई है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आपको ये ग्रीन अलर्ट देखने को मिल रहा है, जबकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में आपको येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको 27 जनवरी देर शाम तक ही राजस्थान के अधिकांश जिलों में सर्दी का दौर देखने को मिलेगा। 27 जनवरी दोस्तों देर शाम से ही आपको राजस्थान के ये बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की एंट्री लगातार देखने को मिलेगी। ज़्यादातर दोस्तों स्थानों का मौसम देर रात तक आपको बदला हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 28 जनवरी के मौसम के बारे में। 28 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर राजस्थान की दर्शाई हुई है। राजस्थान के दोस्तों अधिकांश जिलों में यहाँ पर बादलों के सिंबल जारी कर दिए हैं और दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट भी IMD जारी कर चुका है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि अब आपको राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में खतरनाक बारिश का दौर लगातार कई दिनों तक नजर आएगा। दोस्तों, अब की बार ये जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, ये पुराने पश्चिमी विक्षोभों की तुलना में काफी ताकतवर है। इसकी वजह से आपको दोस्तों राजस्थान के अलावा भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों में भयानक बारिश का दौर नजर आएगा। राजस्थान में भी दोस्तों आपको बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में खतरनाक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर दोस्तों आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों अब की बार इस पश्चिमी विक्षोभ से आपको बारिश का दौर नजर आएगा और दोस्तों कई स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आपको दोस्तों जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग में भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 29 जनवरी के मौसम के बारे में। 29 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर राजस्थान की दर्शाई हुई है। संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों बादलों के सिंबल जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी आपको दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR और दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों के सिंबल जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको यानी कि 29 जनवरी को भी राजस्थान के संपूर्ण जिलों में खतरनाक बारिश का नजर आएगा। भारी बारिश की दोस्तों बात करें तो आपको जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, बीकानेर और कोटा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश का दौर नजर आएगा। जोधपुर संभाग के भी दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। मेघ गर्जना के साथ जोरदार ओलावृष्टि का यह दौर आपको राजस्थान में लगभग 28 और 29 दो दिनों तक तो दोस्तों बेहद ही ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों जैसे ही इस नए पश्चिमी विक्षोभ के कोई नए अपडेट आते रहेंगे, आपको लगातार वीडियोज के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा।